Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review this product by Lotus. This is their Pro Edit Silk Touch Glow Strobe Cream. So this is how the inner packaging looks like, and this is how the outer packaging looks like. So ये inner packaging है, this is the outer packaging. So this cream, this छोटी सी जो bottle है, this retails for 525, but आपको online discount वगैरह पे 20-30% off पे मिल जाएगी, ठीक है? And this has got a shelf life of about 2 years, और 15 grams का product है, so थोड़ा सा expensive है, I would say, but let me just review it for you guys, and उसके बाद आप decide कर लेना कि आपको purchase करना है कि नहीं करना. So this is a Silk Touch Glow Strobe Cream. And this states that it naturally luminous high definition, and this product is preservative free, and they suggest that this is for all skin types. So let me just show you its texture first. So सबसे पहले कोई भी स्ट्रोब क्रीम अगर मार्केट में आती है या कोई भी ऐसा इल्यूमिनेटिंग प्राइमर आता है ना मार्केट में, सो सबको ये पूछता है कि क्या ये मैक की स्ट्रोब क्रीम का ड्यूप है कि नहीं है. तो मैं पहली लाइन में आंसर कर देती हूँ, दिस इज नॉट अ ड्यूप, बट ये आपको एक अच्छी ग्लॉसी फिनिश जरूर देता है आपके फाउंडेशन को, और अगर आपको एज अ हाईलाइटर यूज करना है तो दिस रियली रियली वर्क्स. बट या तो ड्यूप तो नहीं मैं बोलूंगी, मैक की स्ट्रोब क्रीम का ना टेक्सचर कुछ अलग ही है, बट येस यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट फॉर अ ड्यूई फिनिश फॉर योर मैट फाउंडेशन और फॉर यू नो डेली वेयर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप अंडर नीथ लगा सकते हो या हाई पॉइंट्स पे लगा सकते हो, दिस विल गिव यू दैट काइंड ऑफ अ फिनिश. सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, और ये देखो अचानक से ग्लोई बना दिया इसने मेरे हैंड को. सो इतनी कोई खास फ्रेगनेंस भी नहीं है इसकी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगी, एंड थोड़ी देर में अपने आप चली जाती है. सो दिस इज ऑल इन ऑल अ गुड मॉइस्चराइजिंग स्ट्रोब क्रीम, बट डोंट यूज इट ऑल ओवर योर फेस, बिकॉज थोड़े से ना इसमें मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि थोड़े से इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, जो अगर आप पूरे फेस पे अगर आप लगाओगे ना तो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं विजिबल. आई डोंट नो कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट थोड़े से ना इस वाले फिंगर में मैंने लगाया है, थोड़े से मुझे ऐसा लगता है थोड़े से ग्लिटर पार्टिकल्स हैं. सो अगर आप ऑल ओवर फेस, अपने ऑल ओवर योर फेस इन केस विल अप्लाई दिस क्रीम, सो आई बिलीव वो ना पूरा ग्लिटर स्कैटर हो जाता है. सो इट्स बेटर दैट यू अप्लाई इट ओनली ऑन द हाई पॉइंट, सो दैट ये बहुत नेचुरल, बहुत ही ड्यूई फिनिश दे और एक नेचुरल हाईलाइट की तरह वर्क करे. सो अगर आपको सिर्फ हाई पॉइंट पे लगाना है ना, देन यू कैन यूज इट एज अ हाईलाइटर, अ क्रीम हाईलाइटर, और अच्छे फाउंडेशन बेस के ऊपर अगर आप लगा रहे हो, सो दिस वर्क्स रियली रियली वेल. बट एज अ स्ट्रोब क्रीम ये थोड़ी सी स्ट्रांग है मेरी लाइकिंग के हिसाब से, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्लिटर या बहुत ज़्यादा शाइन या बहुत ज़्यादा शिमरी लुक पसंद है, देन मे बी यू कैन अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस. बट अगर आपको नेचुरल और नेचुरल ड्यूई लुक पसंद है, जस्ट अप्लाई ऑन हाई पॉइंट्स ऑफ योर चीक्स और जो भी आपके फेस के हाई पॉइंट्स हैं, देन इट्स गोइंग टू वर्क रियली रियली वेल फॉर यू, ठीक है? सो व्हाट इट स्टेट्स इज दिस लाइट वेट फॉर्मूला गिव्स नेचुरली ग्लोइंग स्किन, वाइट मल्बरी एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग ल्यूमिनस फिनिश, माइक्रो फाइन रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स गिव रेडियंट लुकिंग हेल्दी स्किन. सो एज आई सेड इसमें ना रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा या तो अगर आप पूरा मैट फाउंडेशन लगाने वाले, देन यू कैन प्रोबेबली अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस, ठीक है? तो उससे क्या होता है, तो जो ग्लिटर होगा वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, एंड योर फेस विल जस्ट शाइन लाइक यू नो एक ड्यूई फिनिश रहेगी. बट अगर आप फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रहे हो, यू आर जस्ट यूजिंग अ लाइट टू मीडियम कवरेज फाउंडेशन, देन जस्ट यूज इट ऑन द हाई पॉइंट्स, ठीक है? तभी ये एक अच्छी फिनिश देगा, एक नेचुरल फिनिश देगा और एक ग्लो फ्रॉम विद इन काइंड ऑफ अ लुक देगा, अदरवाइज यू विल एंड अप लुकिंग लाइक अ डिस्को बॉल, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है? और अगर आप किसी फाउंडेशन के या किसी भी बीबी क्रीम में सीसी क्रीम के ऊपर या अंडरनीथ यूज कर रहे हो और हाई पॉइंट पे यूज कर रहे हो, तो आप इसे डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हो, अच्छी नेचुरल फिनिश देता है. बट डोंट यूज इट अलोन, जैसे मैक की स्ट्रोब क्रीम को आप ना अकेले भी यूज कर सकते हो, बट इसको आप नहीं कर सकते बिकॉज काफ़ी चमकी पार्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है? सो यू नीड अ फाउंडेशन और एनी बेस प्रोडक्ट कि जिस पे जिसके साथ ये ब्लेंड हो सके. सो ऑल इन ऑल दिस इज नॉट अ ड्यूप फॉर मैक स्ट्रोब क्रीम, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ स्ट्रोब क्रीम, आई वुड से दिस इज अ गुड हाईलाइटर. आई यूज इट एज अ लिक्विड हाईलाइटर. सो अगर आपको स्ट्रोब क्रीम की तरह यूज करना है, यू कैन प्रोबेबली यूज इट. माई शेड इज लाइक पिंक SC2, दिस इज व्हाट द शेड, आई थिंक इसमें दो या तीन ही शेड आते हैं, सो दिस इज अ पिंक वन. तो इसमें पिंक रिफ्लेक्स है बिकॉज पिंक हाईलाइटर्स वर्क बेटर फॉर माई स्किन, सो आई हैव बॉट दिस.
But all in all, it's a good product. I wouldn't say that it's bad, but quantity wise, 15 gram का product है, 15 grams का product है, and this is for 525. So sale में आपको 450 तक का मिल जाएगा, but still I would say थोड़ा सा highly priced है, क्योंकि आजकल इससे ज़्यादा affordable options आ गए हैं market में, like Lakme की Lumi cream है, वो इससे better work करती है और ज़्यादा अच्छी है, या अगर आपको highlighter में ही जाना है, Lakme का ही highlighter है, वो ज़्यादा अच्छा work करता है. So आप इतनी छोटी सी tube को क्यों लोगे, as in 500-550 का. So it's better that you invest in some better products that are available in market. अगर but still अगर आपको Lotus as a brand के बारे में जाना है या अगर आपको try करना है, definitely you can try this out. But I would rate this specific product from Lotus around 7/10 because I feel that better products, better strobe creams or better liquid highlighters are actually available in the market. But obviously अगर मैंने अब लिया है तो आई यूज इट एंड ठीक है. एंड दिस स्टेट्स दैट दिस इज प्रिजर्वेटिव फ्री एनरिच्ड विद जापानीज सकुरा एक्सट्रैक्ट विटामिन ई एंड वाइट मलबरी एंड हाउ दे रिकमेंड यूजिंग इट अप्लाई डायरेक्टली टू योर स्किन विद फिंगर टिप्स एंड ब्लेंड फॉर अ सटल ग्लो फॉर मोर इंटेंसिटी अप्लाई स्ट्रोब क्रीम ऑन टॉप ऑफ लिक्विड फाउंडेशन ट्राई यूजिंग बोथ शेड्स टुगेदर फॉर अ स्ट्रोब ओम्ब्रे इफेक्ट. सो आई थिंक एक में गोल्डन सा शेड आता है एंड ये पिंक है, तो दे आर सेइंग कि अगर आपको एक अच्छा सा ओम्ब्रे इफेक्ट चाहिए तो दोनों को मिक्स कर दो, और अगर आपको स्ट्रोक क्रीम की इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप किसी भी लिक्विड फाउंडेशन के ऊपर आप लगा सकते हो. सो यू कैन यूज इट एज अ हाईलाइटर एज से, और अदरवाइज आप एक अगर आपको एक सटल ग्लो चाहिए तो अपने फेस पे ऐसे लगा सकते हो. वैसे मत लगाना डिस्को बॉल लोगों को, सीरियसली अगर डायरेक्टली फेस पे लगा लोगे ना मॉइस्चराइजर के ऊपर, सो सीरियसली बहुत ही मतलब मुझे नहीं पसंद वैसा लोग, बट आप एक बार स्टोर पे जाकर ट्राई कर सकते हो. सो अगर क्या पता आपको पसंद आ जाए, और अगर पसंद आएगा देन डेफिनेटली यू विल ट्राई. सो फ्रॉम माय एंड दिस इज लाइक 7/10, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और इतनी कोई खास पसंद नहीं आई, बट ठीक है एज अ हाईलाइटर इट्स वेरी वेरी गुड फॉर नेचुरल फिनिश वाला हाईलाइटर, और विंटर्स में ये जो होता है ना ग्लो फ्रॉम विद इन काइंड ऑफ लुक, तो अच्छा दे देती है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द मिनी रिव्यू टुडे. आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, एंड पसंद आया है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू गाइस, बाय बाय.